क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन बेस 8 द फोर डिजिट न्यूमेरल बीबीसीसी इज द स्क्वायर ऑफ टू डिजिट न्यूमेरल एए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। तो यहां पे नंबर का बेस क्या है 8, तो हम बीबीसीसी इसको लिख सकते हैं सी प्लस 8सी प्लस 8 स्क्वायर बी प्लस 8 क्यूब बी। तो यहां से आ जाएगा, अगर हमने 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 9b, 8 स्क्वायर इंटू 9b प्लस इधर से आ गया है 9 टाइम्स सी। ए ए को लिखेंगे तो आ जाएगा 8a प्लस ए, दैट इज 9a। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 9a इसका जो स्क्वायर है ए है, 8 स्क्वायर इंटू 9b प्लस 9c, यहां से लिख लेंगे 9 इंटू 9a स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर इंटू 9b प्लस 9c, दैट इज 9 तो कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, आ गया 9 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू 64 टाइम्स बी प्लस सी। तो यहां तक आ गया है। अभी हमें यहां पे क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर को लिख सकते हैं, जो 64b है इसको लिखते हैं 63b प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 9, तो आ जाएगा 7 टाइम्स बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 9। एंड बी प्लस सी बाई 9 ये जो है क्या होना चाहिए, इंटीजर। इंटीजर कब होगा, व्हेन बी प्लस सी, दैट इज 9 डिवाइड्स बी प्लस सी। यहां पे एक और बात ध्यान रखना है कि बेस 8 है तो ए बी एंड सी का वैल्यू लेस इक्वल 7 एंड ग्रेटर इक्वल 0 होगा, तो 7 से कम एक इंटीजर है। यहां पे बी एंड सी दोनों जो है वो 7 या 7 से लेस है एंड इसका सम 9 से डिविजिबल है। ये पॉसिबल तभी है व्हेन बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाए 9। तो अभी हमें पता चल गया बी प्लस सी का वैल्यू क्या है 9। इक्वेशन को फर्दर प्रोसीड करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 7b प्लस 1, बी प्लस सी के प्लेस पे 9 पुट करने से आ रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 7b एंड ए प्लस 1 ए माइनस 1 इक्वल टू 7 टाइम्स बी। यहां पे दिस ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस 1 इंटू ए माइनस 1 डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7। एंड हमें पता है कि ए जो है क्या है, लेस इक्वल 6 इक्वल 7 एंड ग्रेटर इक्वल 0, तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई हो सकता है व्हेन ए प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाए 7 हो जाए। क्योंकि और किसी केस में देखिए ए प्लस 1 7 होगा, नहीं तो और किसी केस में ए प्लस 1 का वैल्यू 7 से कम होगा या माइनस 1 का वैल्यू भी 7 से कम होगा, यानी दोनों डिविजिबल नहीं होगा। तो अगर ए प्लस 1 का वैल्यू 7 है तो ए को हम क्या लिख सकते हैं 7 एंड 1, यहां पे लिख सकते हैं 6, ए का वैल्यू 6 हो गया। बी प्लस सी क्या है 9, तो अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो यहां से 6 स्क्वायर 36 इक्वल टू 7b प्लस 1, सो 7b इक्वल टू 35, बी का वैल्यू क्या आ गया 5 एंड बी प्लस सी 9 था एंड सी का वैल्यू क्या आ गया 4। सो क्वेश्चन में क्या चाहिए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू 5 एंड सी का वैल्यू 4, हेंस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया 6 प्लस 5 प्लस 4, 6 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 15। सो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आएगा 15।